आज बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने किसान न्याय रैली में सीएम योगी और पीएम मोदी पर जमकर हमला किया। आपको बता दें, रैली से पहले वे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची। विश्वनाथ मंदिर में प्रियंका गांधी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की, अन्नपूर्णा मंदिर में भी मां का आशीर्वाद लिया। इससे पहले एयरपोर्ट से मंदिर तक रास्ते में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका अभिनंदन किया। इस रैली में झांसी के मऊरानीपुर विधानसभा से देसराज सारिया एडवोकेट, एससी प्रकोष्ठ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में प्रिंस कटियार, जितेंद्र भदौरिया, अमित करौसिया, लाला अहरवार, शरद नरिया, सुजीत बाबू, पवन करौसिया एवं शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ झांसी और भारी संख्या में कांग्रेसी जन मौजूद रहे। देखिए, आज किसान न्याय रैली में हमारे कांग्रेस भाइयों का उत्साह देखते ही बना है। आज हमारे हमारे क्षेत्र सम्मान की लड़ाई हो, हमारी प्रियंका दीदी इस देश के बच्चे बच्चे के साथ खड़ी हैं। और आज हम लोग रैली की कामयाब रैली के लिए हमारे साथ आज के सभी शहर के आभार व्यक्त करते हैं। और आज की रैली इस योगी सरकार की सत्ता में बाबू की आखिरी चीज का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, उत्तर सही सरकार है। अभी लखीमपुर में जो घटना हुई, गिरफ्तार किया गया, और ये सबसे बड़ी इतना सारी गवर्नमेंट है, इसको हारने के लिए कांग्रेस सबके लड़ाई रही है। भाजपा और सपा ये दोनों संगठन है, ये भाजपा की मिली भगत है। ये कोई भी लड़ाई शामिल होना नहीं चाहते, जनता को विरोध करना चाहते। देश में अगर एक तरफ खड़ा कर जनता की सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनसाइट न्यूज, झांसी।